चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था पिछले बार में, है ना, पिछला क्लास में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में पहला क्या लिख लिए थे बच्चा, डेफिनेशन लिखे थे कि क्रिस्टलीय ठोस में जो कणों का सजावट होगा वो क्या होगा, रेगुलर होगा, और इसमें जो कणों का सजावट होगा वो इरेगुलर, जैसे तैसे होगा, है ना। तो आप इसी से अगर आप संरचना बढ़िया से देख लेते, देख लो इधर, अगर संरचना ढंग से आप पहचान लेते हैं तो टोटल का टोटल आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि तो जितना भी आपका डिफरेंस है सब के सब संरचना से ही है। और एक दो नंबर का बोर्ड में आता है तो सितारा लगा ली है, और एकदम साथ साथ लिखते चले, दूसरा बिंदु, दूसरा डिफरेंस, लिख लो क्रिस्टलाइन सॉलिड, या लिख दो इट हैज डेफिनेट ज्योमेट्री, इट हैज डेफिनेट ज्योमेट्री, हिंदी लिखते चलना, यह इसका ज्यामिति निश्चित होता है। इधर लिख लो बच्चा, इट हैज इनडेफिनेट ज्योमेट्री, इट हैज इनडेफिनेट ज्योमेट्री, इट हैज इनडेफिनेट ज्योमेट्री, इधर लिख लो। अब काहे इसका डेफिनेट ज्योमेट्री होगा जरा देख लो बढ़िया से, क्योंकि इसमें कणों का सजावट एकरा में निश्चित है, तो जो कण है बच्चा वो एक जगह पर फिक्स है, एक जगह पर नियमित है। तो अगर मान लो संरचना ज्योमेट्री कैसे बनता है, ज्योमेट्री बनेगा आपको कणों को आप मिला दीजिएगा, दोनों कणों को एक सीधी रेखा से यदि कणों को सीधी रेखा से मिला दीजिएगा तो वह जो संरचना बनेगा वही आपका कहलाता है ज्योमेट्री। तो चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कण का सजावट एक निश्चित होता है, तो जब उसके कणों को मिलाओगे एक सीधी रेखा से तो जो संरचना बनेगा वो भी कैसा बनेगा बच्चा, निश्चित बनेगा। अच्छा बताओ, एक में तो कण जैसे तैसे, तो मिलाओगे तो संरचना निश्चित बनेगा कि जैसा तैसा बनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इट हैज डेफिनेट ज्योमेट्री और इट हैज इनडेफिनेट ज्योमेट्री। अगला लिख लो बच्चा, एक अगर आप इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर तेज धार वाला औजार से काटोगे, जैसे एक में ले लो बच्चा लोहा, चाहे तो और कुछ दूसरा कोई सॉलिड ले लीजिए, अगर उसको आप सोना कुछ भी ले लो, अगर उसको आप काटिए तेज धार वाला औजार से, तेज धार वाला औजार से काटिएगा तो इसका सतह एकदम चिकना आएगा। तो लिख दो when it is cut with a sharp edged tool, it gives plane surfaces, लिख लिया ओकर बाद समझाबियो, पहले लिख के चलो। when it is cut with sharp edged tool, It gives rough surfaces,
रफ सर्फेसेज इट गिव्स रफ सर्फेसेज, जरा देख लो बढ़िया से एक बार फिर से, कहता है क्रिस्टलीय ठोस का ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री होता है वो निश्चित होता है, और इसका जो अक्रिस्टलीय का ज्योमेट्री क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। छापो जल्दी, सब हिंदी लिखा रहे हैं। लिख लिए, हिंदी लिख ला दूसरा का। जब इसे तेज धार वाले औजार से काटा जाता है, दूसरा का हिंदी, दूसरा पॉइंट का इधर बचा। जब इसे तेज धार वाले औजार से काटा जाता है, जब इसे तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो यह समतल सतह देता है, इधर लिख लो खुरदरा सतह देता है। आप जब क्रिस्टलीय ठोस को, कोई भी क्रिस्टलीय जैसे लोहा काट के देखो ना, जहाँ कटता है वहां जा करके देखना, घर उर में आपका बनता होगा, घर बनता है ना, और हमें छड़ लगता है ना, छड़ काटता है ना मिस्त्री, देखना कितना एकदम एकदम क्लीन सरफेस देगा आपको, एकदम प्लेन सरफेस देगा। अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिख लो, इट हैज शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक अर्थ हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का, हिंदी लिख ला, इसका गलनांक एवं, एकदम लिखते चलना है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक, इसका गलनांक एवं क्वथनांक, इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। कैसे वो मैं समझाऊंगा, इधर लिख लो बच्चा, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ए रेंज। इट हैज मेल्टिंग पॉइंट, कोई एक ही लिखना, या तो हिंदी लिखना या तो इंग्लिश लिखना बच्चा, दोनों पार नहीं लगेगा क्योंकि हम बड़ी जल्दी कटाएंगे, अभी तो आज शुरुआत है तो थोड़ा बड़े इतना स्लो भी है क्योंकि हमको 16 चैप्टर खत्म करना है आपको अढ़ाई महीना के अंदर, वैसे नहीं करते हम, पढ़ा के खत्म करेंगे। इट हैज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन रेंज, हिंदी लिख लो, इसका अरे जल्दी ना चलो यार, ये झूमते आता है दिल्ली है यार, दिमाग खराब कर दिया मेरा की झूमते आता है उन्हें से, देख रहा कि चल रहा क्लास तो झूमते आ रहा, हम बिगाड़ के रखी, सुनेगा वो क्या कहेगा। कहाँ कहाँ चल जाएगा, के के सुन लेगा यार, इतना अच्छा से बनाते हैं फिर बिगाड़ देता है इसमें, ये एक राह में टच करते हुए चलता है। चल हो गया, हिंदी लिख लो बच्चा, इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, इसका लिखा गलनांक एवं क्वथनांक एक परास में होता है, पहले लिख लो बढ़िया से बैठा ना आराम से, कि पढ़े लो एकदम आराम से बैठिए, दोनों हाथ पैर मोड़ करके बैठिए, 90 डिग्री पर बैठिए। अगला बिंदु लिखा, मैं समझा दूंगा, पहले आप लिख लो और बाद में समझाता हूँ। इसका मत बोलो, इसका गलनांक एवं क्वथनांक एक परास में होता है, अरे बताएंगे पहले लिखो ना जी, लिखिए अगला लिखो, इट इज अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। इट इज अनआइसोट्रॉपिक, मैं समझाऊंगा अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, एक जय याद हो जाना चाहिए, गहरे में पढ़ना नहीं है, इधर लिख लो बच्चा, इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। देख के अगला, इट इज आइसोट्रॉपिक, हिंदी लिख लो, यह
विषमदैशिक प्रवृत्ति की होती है, इट इज नेचर अनआइसोट्रॉपिक। हिंदी लिखा हुआ चाहिए, यह विषमदैशिक प्रवृत्ति की होती है, यह विषमदैशिक प्रवृत्ति की होती है, इधर लिख लो, यह समदैशिक प्रवृत्ति की होती है, यह समदैशिक प्रवृत्ति की होती है, पहले लिख लो और बाद समझा भाइयो इसका मतलब क्या होता है। इट इज लॉन्ग रेंज सॉलिड, इट इज लॉन्ग रेंज सॉलिड, इट इज लॉन्ग रेंज सॉलिड। हिंदी लिखा, यह दीर्घ परासी ठोस होता है, यह दीर्घ परासी ठोस होता है, इधर लिख लो, इट इज शॉर्ट रेंज सॉलिड, इट इज शॉर्ट रेंज सॉलिड, इट इज शॉर्ट रेंज सॉलिड। हिंदी लिख लो, यह लघु परासी ठोस होता है, यह लघु परासी ठोस होता है, एकदम लिखते चला, एकदम लिखते चला। अगला, इट इज शॉर्ट नोट्स बन रहा एक तरह से, तो पढ़ल है तैयो लिखो, नहीं पढ़ल है तैयो लिखो, तेज नहीं बनना, मेरे को पता है कि पढ़ल है, फिर भी लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा घर में आपको, एग्जाम के टाइम में बस यही रिवीजन करना। अगला लिखो, इट इज अ ट्रू सॉलिड, इट इज अ ट्रू सॉलिड, इधर लिख लो बच्चा, इट इज अ स्यूडो सॉलिड, इट इज अ स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, और सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, इट इज, मत बोलो, देखो मैं बोल रहा हूँ कि मत बोलो, इट इज अ स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। हिंदी लिख लो बच्चा, यह एक वास्तविक ठोस होता है, यह एक वास्तविक ठोस होता है, यह एक वास्तविक ठोस होता है, इधर लिखो बच्चा, अक्रिस्टलीय ठोस के तरफ, यह एक आभासी या अति शीतित द्रव होता है, यह आभासी या अति शीतित द्रव होता है। अब समझ लो, दो को एग्जाम्पल देखना, मौका नहीं है कि इन्हें उन्हें देखा करो, बस इन्हें बोर्ड पर देखा करो, इधर देख लो बच्चा, पहले एग्जाम्पल देखो और बात समझा भैया, उसके बाद समझाते हैं बच्चा सब बिंदु, टोटल बारी बारी से समझा देते, याद रह जाएगा यहाँ पर। एग्जाम्पल देख लो, एक नंबर आता हर साल आएगा, एकदम गारंटी है कोई साल आएगा, निम्नलिखित में से कौन आभासी अमॉर्फस सॉलिड होता है, निम्नलिखित में से कौन, और एनसीईआरटी रख ले रहना, मैं कहूँगा एनसीईआरटी बना के लाना, जितना रोज होगा उतना रोज बना करके लाना है। एक एग्जांपल आपको, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर सितारा लगे हैं, अंतर दोनों पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा, पहले एग्जाम्पल लिख लो फिर समझेगो कि काहे वही वाला एग्जाम्पल अक्रिस्टलीय होता है। एरा में याद रखना, एरा में तीने गो है, ये है अक्रिस्टलीय, कई गो, बस याद रखना, बाकी एक अलावा जो भी आएगा क्रिस्टलीय होगा, आंख बंद करके मार देना, अरे ठीक है कि नहीं। yes, कौन कौन होगा, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक और तीसरा है बच्चा ग्लास, बस 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 यही तीन गो है अक्रिस्टलीय, अरे हाँ या नहीं, ये तीन गो है अक्रिस्टलीय, बाकी के सब भी जितना आएगा सब क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, क्रिस्टलीय। और ऐसा नहीं है कि यही तीन गो, ये तीन और एकरा से बनने वाला पदार्थ, एकरा से बनने वाला, जैसे प्लास्टिक से बनता यूपीवीसी पाइप या पीवीसी पाइप, तो भले तू कहेगा कि सर ये तो बतैल हो, अरे प्लास्टिक से बनता, अगर तोरा कह दे पॉलीथीन, क्या कह दे, देखकर मतलब तू नहीं समझेगा, पॉलीथीन कौची से बनता है, प्लास्टिक कैसे, तो पॉलीथीन होगा एमोर्फस सॉलिड की क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। अगर तुमको बोल दे बच्चा टायर,
तो टायर बताओ, टायर एमोर्फस होगा कि क्रिस्टलाइन होगा? तो भी टायर किससे बनता है? रबर से बनता है, बोल हाँ या नहीं? चेहरा देखे वाला शीशा ग्लास से बनल रहता, बोल हाँ या नहीं? तो वो कैसा ठोस हो जाएगा? तो ऐसे तरह से भी, अरे एक बात आओ बता दे, एक एग्जाम्पल यूपीवीसी पीवीसी पॉलीथीन टायर, और एक बात और कह दे, अगर नहीं समझ में आएगा नहीं याद, ये तीन को याद रखना, प्लास्टिक रबर कांच, प्लास्टिक रबर कांच, प्लास्टिक रबर कांच, ये तीन को है जो अक्रिस्टलीय ठोस है, इन तीनों से बनने वाला पदार्थ। अब नहीं पता चलेगा तो देखना एग्जाम में, एक चीज और रहेगा, जेकर नाम के आगे पौली लगल रहेगा, क्या लगल रहेगा? और आंख बंद के अमॉर्फस मार देना, बोला या नहीं? Yes, sir. ये नहीं कि सिर्फ पॉलीथीन हो जाएगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड, जैसे आर हो गया पॉली मिथाइल क्लोरेट, बहुत सारा आगे जैसे आर एक में कुछ लग, जैसे जैसे रह गया पॉलीसेलुलोज, कुछ छोड़ रहे, अगर पौली लगल रहेगा तो समझ जाना वो कैसन ठोस होगा, एमोर्फस होगा, कैसन होगा? अरे बोलो, यस सर, बोलो, यस सर। अब एकर एग्जांपल दे दे, देखना एकर एग्जांपल, एकर एग्जांपल बताओ, सोना कैसन क्रिस्टलीय ठोस, चांदी, अरे जब लेने तो बढ़िया बढ़िया नाम लेना है ना, अरे बोलो जी, और बोलो, लोहा, कॉपर, नमक, अरे कुछ हो रहा है, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड बताओ, कैल्शियम सल्फेट, Na2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, अरे जे भी रहेगा, ये सब के छोड़ करके, ये तीनों के छोड़ करके जे तोरा दे देगा, सभे के सभे कैसन ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। अरे हाँ या नहीं? बोल हाँ या नहीं? लिख लिया कि नहीं लिखा? अरे लिखा कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? मार लेगा कि नहीं? क्वेश्चन बन जी तो इतना एनसीईआरटी का बना के लाना, पहला इंडेक्स क्वेश्चन 1.1, 1.2, 1.3 होमवर्क रहा। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, जो मैंने लिखाया है ये जी पर याद करना, जो क्रिस्टलीय ठोस है बच्चा, ओकर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प कहता है, मतलब शार्प का मतलब जानते हो क्या होता है? शार्प का मतलब है जैसे नमक ले लो, क्या ले लीजिए? नमक ले लीजिए, तो नमक का मेल्टिंग पॉइंट कितना पर गलता है? 1100 कई डिग्री पर? 1100। तो ये नमक हमारा ही सब है, ये देखो नमक, तेरा बर्तन में लेके गला हो, तेरा गर्म करना, कौजी करना, गरम करियो है, गैस है, नहीं करेंगे पागल है, पढ़ाएंगे कि हम गरम करें, तू गरम करिएगा तो ये 1100 पर पिघलेगा, कितना पर? 1100 से पहले ना, 1099 पर भी नहीं, कहाँ पर? 1100 पर ही पिघलेगा, इसीलिए कहते हैं कि, और 1100 जैसे ही हुआ पूरा गल जाएगा, बोला यार ये प्लास्टिक, ये पेन, वो तो बोलो बोलो, ये क्रिस्टलाइन की अमॉर्फस, अरे ये अमॉर्फस की क्रिस्टलाइन, अरे ये प्लास्टिक है जी, क्या है? तो ये अमॉर्फस, तेरा गलाओ मारा माचो, ये तुरंत गलने भी लगेगा, आप गलते हुए 100 डिग्री करोगा तइयो गलेगा, 500 रखोगे तब भी ये गलेगा, अरे गला के देखना घरे में दिया है ने, बराबर रख के देखना, अरे आया ने बताओ, ये जैसे ही रखोगे गलना शुरू हो जाएगा, अरे आया ने, ऊंचा तापमान कितना हो? देखो देखो देखो, हम पढ़ा रहे लिए तो उन्हें बोलो की करे, अरे समझा कि नहीं? तो एक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चा, रेंज मने परास, मतलब हो सकता है कि यह 50 डिग्री से 100 डिग्री तक पिघले, 50 पर भी पिघले, 60 पर भी, 70 पर भी, 80 पर भी, 90 पर भी, और 100 पर भी पिघले, तो कहेंगे ना कि यह एक परास में पिघलता है, कौची में पिघलता है, कौची में, परास में। अगला कहता है कि यह अन आइसोट्रोपिक होता, और भाई साहब मेटा दिलियो जी, ये अन आइसोट्रोपिक का मतलब होता, ध्यान से सुनो, हिंदी में कहते हैं बच्चा विषम दैशिक, क्या कहते हैं?
हिंदी में कहते हैं विषम दैसी करे मेटा आ तो दे लिए जी। मान लो बना दे यो यहाँ एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस ऐसी ने बनल था जी। एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस। अरे एकदम एकदम सजावट सही सही रहेगा कि जैसे तैसे एकदम सजावट एकदम बढ़िया से रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं अन आइसोट्रोपिक। का मतलब होता है बच्चा ध्यान से सुनना, विषम माने असमान, विषम माने असमान, दैशिक माने दिशा, दैशिक माने दिशा। मतलब अगर हम भिन्न भिन्न दिशा में चलें, भिन्न भिन्न दिशा में चलें, तो अगर भौतिक गुण भिन्न भिन्न आएगा तो वो कहलाएगा विषम दैशिक। क्या कहलाएगा? सुन पहले सुन, अगर इस क्रिस्टल में अलग अलग दिशा में चलने पर अगर भौतिक गुण अलग अलग आता है तो वह पदार्थ कहलाता है विषमदैशिक। क्या कहलाएगा? सब चल के दिखा देंगे, बताओ बच्चा। जैसे इन्हें चलेंगे हम क्या क्या मिल लो? सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम। हम जैसे इन्हें चलो क्या मिल लो? हम इन्हें चलो क्या मिल लो? क्या मिल लो? अब बताओ बच्चा। तो अलग अलग दिशा में जाएगा तो जब कण ही समान नहीं मिल रहा है तो भौतिक गुण समान होगा कि अलग अलग? अच्छा, भौतिक गुण ककरा पर निर्भर करेगा? उसके कणों के सजावट पर। अरे भौतिक गुण नहीं जानता है ये, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, कलर, डेंसिटी, मास, घनत्व, आयतन, सबके सब कैसन गुण है? भौतिक गुण। कैसन गुण? तो बताओ, इस दिशा में जाओगे तो आप वर्तनांक सेम होगा और इस दिशा में जाओगे, इस दोनों दिशा में सेम होगा कि अलग अलग? काहे अलग अलग होगा बच्चा? क्योंकि कण अलग अलग मिल रहा है। तो अगर अलग अलग दिशा में जाने पर भौतिक गुण अलग अलग होगा, वैसे को बोलते हैं अनआइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? अनआइसोट्रोपिक होगा। आइसोट्रोपिक क्या होगा? आइसोट्रोपिक, क्योंकि वो जानने तने जैसे तैसे कर्णों जी बोलते दो चार गो मिलवे करे। अरे ऐसे ही समझ ले, यहाँ मान लो मैंने 100 बच्चा के जरा मैं लड़का लड़की सब दे कहा बेंच वेंच हटा दिया, कहा बैठ जो जैसे मन हो वैसे। अरे हाँ या नहीं? तो जैसे तैसे बैठ जाएगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो हम चलना चाहते हैं जैसे हम इस दिशा में चले। अरे बोल रहे हैं? अरे सुना, ठीक है सोनी ने हम बुतरू बैठाएंगे, ठीक है लड़का छोटा छोटा लड़का छोटा छोटा लड़की कुल लेके 100 गो के ला के 200 के रहा में बैठा दिए, तो जैसे तैसे बैठ जाएगा? तू तो होशियार है, तू तो बैठेगा नहीं, बुतरुए ले लेते, तो जैसे तैसे बैठेगा। अब बताइए जैसे हम एन्ने चले, अरे एन्ने चलेंगे ओकरा में बुतरवन के जैसे तैसे बैठे ले, बताओ यही दिशा में जाओगे तो लगभग जय गो लड़का जय गो लड़की नहीं मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा, एन्ने चलेंगे जैसे तैसे बैठल है। अरे बोला आया नहीं? तो एन्ने जितना लड़का मिलेगा उतनी लड़की मिलेगा, संभावना है कि नहीं? अरे बोलो, अब जैसे तैसे जब बैठल रहेगा वो कैसन सॉलिड? अक्रिस्टलीय, क्योंकि अभी बताए परिभाषा अक्रिस्टलीय, ठोस में कण जैसे तैसे रहता है। आई तो एकदम एकदम देख रहा था, बढ़िया से सजा बल जैसे तोहनी, बताओ तोहनी क्रिस्टलीय ठोस से काम कर रहा है एकदम बढ़िया से बैठल। बताओ एन्ने जीवे तो खाली लड़का मिलेगा, एन्ने मिलेगा तो लड़की, बताओ गुण समान होगा? अरे बोल रहे हैं सोहनी के गुण अन आइसोट्रोपिक होगा। कैसन होगा? अनआइसोट्रोपिक। अब बुतरवन वाला अनआइसोट्रोपिक। समझ में आया? अगला है लॉन्ग रेंज सॉलिड। लॉन्ग रेंज मतलब हुआ कि यदि सजावट बड़ी दूर तक एक समान हो, बड़ी दूर तक एक समान हो, चाहे तो ये जैसे 1 किलोमीटर चल जाएगा, इस कक्षा में तो खाली लड़की ही न रहेगा। अरे बोल, अरे बोल, बताओ तो ई वाला इस दिशा में, इसके दिशा में कितनो दूर चल जाओगे तो तरह सोडियम क्लोरीन, सोडियम में क्लोरीन न मिलते जाएगा। अरे बोल रहे हैं, अरे बोल रहे हैं, एकदम सेम मिलेगा।
तो बताओ एकदम एकाध किलोमीटर तक भी चलते जाओ तो इसने सजावट मिलेगा। अरे बोलो, इसीलिए इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज, दीर्घ परासी। क्या कहते हैं? दीर्घ परासी। भाई जैसे तैसे रहेगा जी, जैसे मिलेगा, थोड़ी दूर पर तो अलग हो जाएगा। अरे हाँ यानी एक समान आएगा, अलग अलग, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज। अच्छा ये एक वास्तविक ठोस है, यह वो इसलिए इसको वास्तविक ठोस कहते हैं बच्चा, कि अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितना भी मास वॉल्यूम सब फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। कर इसको बोलते हैं सीडो, माने आभासी ठोस। क्या कहते हैं? आभासी। ये ठोस के काम करवो करता है या नहीं हो करता है, एक और नाम है सुपर कूल्ड। क्या कहते हैं? ये राम एगो फेमस एगो क्वेश्चन आता है हर साल कि कांच को केकरा बच्चा, कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? को हिंदी क्वेश्चन लिख दो, ये समझ में आई लो सब है? अरे तीने अंतर लिखला है परिभाषा में जी, दो नंबर क्या आएगा, कई गो लिखना, तीन गो, जे तोरा तीन गो याद रहा तीन गो लिखना, फालतू मत, दो नंबर है तो तीन परिभाषा, तीन गो अंतर लिख देना है। अरे बोलो हाँ या नहीं, बोलो। एगो क्वेश्चन लिखा, कांच को, क्वेश्चन लिखा जल्दी, कांच को, क्वेश्चन लिखा, कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं? कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं? हाँ बोले तो ना हिंदी आप, कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं? अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं? कांच को भाई ग्लास इज कॉल्ड, भाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड। आंसर नहीं लिखा ही हो, सुन ला मतलब ये जो गलास है ना जी, ये गलास कौन, गलास मैंने कांच, गलास मैंने कांच को द्रव कहते हैं, अति शीतित द्रव कहते हैं, अति शीतित, अति शीतित, अति शीतित क्या कहते हैं? अच्छा ये द्रव मतलब द्रव के जैसे काम करेगा कांच न हो, यो तो है ही है कांच, ये कांचे न है, हाँ जी कांच, कांच क्या है? फाइबर, प्लास्टिक है, ये है। अच्छा ये ले लो, अरे लोल ये है ना यार, कांच है, बोरोसिलिकेट है, ये क्या है? बोरोसिलिकेट है, कांच है, क्या है? कांच। अरे छोड़ गया, अरे घारा खिड़की हम देख ला तो लगल है को कांच, अरे कि कांच लगल है ना, 50 साल बाद देखना होगा, कई साल बाद, 50 साल बाद देखना, मैं तो सुनो ये आंसर बता रहा लियो यार, 50 साल पुराना कोई घर हो ओकर खिड़किया में कांच लगल है, ओकरा जा कर के देख, देखने स्पर्श करो तो देखेगा कि ऊपर वाला हिस्सा पतला हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा मोटा हो जाएगा। हाँ हो जाता है, कई साल में समय लगता है, 40-50 साल। ये रे कांच को हम यहाँ रख दे लो ना 50 साल के लिए, ऊपर वाला हिस्सा पतला होकर नीचे वाला मोटा हो जाएगा, मतलब ऊपर से कांच के कण नीचे नीचे बह गया है, नीचे की ओर आ गया है। अरे बोले यार, ऊपर से कहाँ चला आया, 50 साल लगेगा, तोरा 2 दिन में दिखेगा, कई साल, 50 साल। इसीलिए कांच को, अच्छा बहने की प्रॉपर्टी क्या कर होता है? द्रव होता है, बहने की प्रॉपर्टी क्या कर होता है? और कांच में भी बहने का गुण है, लेकिन समय लगता है, क्या लगता है? समय, लेकिन बह तो रहा है ना ऊपर से नीचे की, इसीलिए कांच को कहते हैं अति शीतित द्रव। क्या लिखोगे? अति शीतित। तो आंसर क्या लिखोगे बच्चा? मैं बोल देता हूँ, घरे में लिख लेना, लिखना नहीं है, मैं बोल देता हूँ, अति शीतित क्रा, जब हम लोग, या ऐसे कहो, जब कांच को काफी लंबे समय के लिए किसी जगह पर रख देते हैं
तो उसके बाद ऊपर का हिस्सा पतला और नीचे का हिस्सा मोटा हो जाता है। इससे पता चलता है कि कांच के कण ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। बोलो, अरे बोलो, बोलो जी, नहीं समझ, समझ गए लो न, समझ गए लो न, अरे समझ गए। एक और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है को, एक और क्वेश्चन है को कि क्वार्ट से ग्लास कैसे बनाया जाता है। क्वार्ट जो, क्वार्ट जो नहीं देखा लो, सिलिका SiO3 क्वार्ट जो, उससे ग्लास कैसे तक जानो कैसे बनवल जाए बता दो, लिख लिया अगर आई थी तो लिख लिया। जब क्वार्ट जो को काफ़ी तापमान पर पिघला दो, पहले मतलब तापमान दे करके और पिघला दो, काफ़ी तापमान क्या हो जितना पर पिघले, पिघला दो क्वार्ट जो को, क्वार्ट जो सिलिका होता है और पिघला दो, अब पिघलैला के बाद और तुरंत ठंडा कर दो, एकदम तुरंत ठंडा कर दो, कांच बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो ये हो देखो, आपको ये क्वेश्चन है NCERT में, तो यही वाला आंसर लिखिएगा कि जब क्वार्ट जो को गला करके पिघला करके अचानक ठंडा कर दिया जाता है। अरे बोलो हाँ या नहीं, तो क्वार्ट जो बनता है सिलिका का ग्लास बनता है, क्या बनता है, ग्लास बनता है। दो क्वेश्चन लेकर के NCERT वाला कल बना के लेगा, बना के लेबो ने पूरा लिखल है NCERT में, हम ना बोल लिखे उतना टाइम है, इतने देख लो करे इस कोर्स है NCERT में दे ले, आप बना करके लाना, हम बताएंगे अगर नहीं बनेगा तो। अब एक बात और, ए जी सुन, ए जी सुन, एमोर्फस एच है खेला खत्म, एमोर्फस के बारे में आओ पढ़ना, अब शुरुआत करेंगे। अरे ये रबर प्लास्टिक के बारे में क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, ये चाहिए ठोस गेल लो, कौन ठोस पढ़ेंगे बच्चा, क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर में सुन ले बढ़िया से, पूरा क्रिस्ट सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, एक और नाम है रवादार ठोस, क्या नाम है, तेरा से तीन चार अभी जितना पढ़ लियो, से चार पांच क्वेश्चन बन लो, बता दे ये पहला ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस कौन अक्रिस्टलीय ठोस, एग्जांपल पूछ तो। दूसरा क्वेश्चन एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में अंतर, दो क्वेश्चन हो लो ना। तीसरा कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, तीन क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, क्वार्ट्ज से ग्लास कैसे बनाया जाता है, गर्म करके पिघला करके तुरंत ठंडा कर देना, अचानक ठंडा कर देना, बोला या नहीं, ये चार क्वेश्चन इतना से बनेगा। बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, NCERT में हमको बना के लिए NCERT अभी भी 90 पार कर जाएगा खाली 2.5 महीना में, अगर मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करते जो, एक को क्वेश्चन वहाँ नहीं छूट तो बोर्ड में ये गारंटी दे, एक को वो नहीं छूटेगा, लेकिन आपको साथे साथे रहना पड़ेगा, मेरे साथ मेरे साथे रहना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं बच्चा, क्रिस्टल ये ठोस, हेडिंग द क्रिस्टल ये ठोस, हेडिंग दे दे लो, अरे हेडिंग दे दिया, क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा बच्चा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, हेडिंग दो बच्चा क्रिस्टलाइन सॉलिड, बस इसी के बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और हिंदी होता है बच्चा रवादार ठोस, क्या होता है रवादार ठोस, अगर परिभाषा एक बता चुका लियो बच्चा, अंतर में जो अंतर में क्रिस्टलीय ठोस और एमोर्फस ठोस जो लिखे थे बच्चा, एमोर्फस सॉलिड जो पहला बिंदु था अंतर में, और जो लाइन बनाए थे जो अंतर का जो पहला बिंदु लिखवाए थे वही डिफिनीशन था, वो लिख लिया, वैसे लिख लिया, लिखो लिखा, लिखे दैट सॉलिड, परिभाषा लिखा बच्चा, दैट सॉलिड इन विच अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एकदम साथे साथे लिखना, इन विच अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड।
इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जांपल दे दिए थे बच्चा, दो चार दस को दे दो, ये जो परिमाणक होता NaOH कैल्शियम क्लोराइड NaCl NaCl अरे यार, और इसका लोहा निकेल कॉपर सोना चांदी पता नहीं और सब होगा, जे भी होगा इस सब के सब कैसा ठोस क्रिस्टलिएट हो। एगो आओ नाम को यदि बता दियो, कहो तो बता दियो, कैसे तो बोला तो नहीं कुछ नहीं। ये जितना धातु है ना बच्चा, धातु वाला जो ठोस है ना बच्चा, एकर एगो और नाम है पॉली क्रिस्टल, एकर एगो नया नाम दिया जाता है धातु वाला के पॉली क्रिस्टल, एगो नया नाम धात्विक ठोस को पॉली क्रिस्टल। हाँ धात्विक ठोस वाला, ऐसे नहीं पूछते बोर्ड उर्ड में, नहीं पूछते, मैं ऐसे बोल दिया। कभी मान लो कोई कैसो आ जाए मजाक में तो बना दे, अरे हाँ या नहीं। क्रिस्टलाइन ठोस चार प्रकार के, कई प्रकार के मतलब बच्चा टाइप ऑफ क्रिस्टल हिंदी लिख गई हो, जब वैसा ठोस जिसमें अभी कणों का सजावट अभी कणों का सजावट नियमित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस कहते हैं उसे रवादार ठोस कहते हैं। उसे कैसा ठोस कहते हैं? रवादार ठोस कहते हैं। उसे कैसा ठोस कहते हैं बच्चा? रवादार ठोस कहते हैं। एग्जांपल लिख लिए थे, अब पढ़िए बच्चा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। जाना एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा था, एक बार नहीं दो बार। रवा कितने प्रकार के होता है? रवा क्या पूछा था? नहीं दिया रवादार, नहीं बोला, वो बोला रवा कितने प्रकार के होता है, तो रवादारे के ना बात कर रहा। रवा कई प्रकार के? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस कई प्रकार के बच्चा? चार प्रकार के। मोलिक्यूलर लिख ला, लिखते चला, मोलिक्यूलर आयनिक मेटालिक एंड कोवैलेंट का ही दूसरा एक और नाम है बच्चा नेटवर्क सॉलिड। क्या नाम है? हिंदी लिखा आणविक ठोस। इनका लिखा बच्चा आयनिक ठोस। इनका लिखा बच्चा धात्विक ठोस। इनका लिखा बच्चा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इन चारों को एरो में से ऑब्जेक्टिव पूछता है बच्चा, ये चारों से ऑब्जेक्टिव पूछता है। मैं आपको ये जय याद करवा दूंगा, ये चारों। रवा कई प्रकार के? उन बतियाओ का है जी, बताओ। एग्जांपल दे वो आयनिक सॉलिड के, एग्जांपल दे आयनिक सॉलिड के, एग्जांपल दे बताओ। एगो कोवैलेंट का सॉलिड एग्जांपल दे, बस हो गले। तो बता रहे हैं तो देख सुनोगे ना, एक तो एक तेजी तेजी में जा रहे हैं। कोवैलेंट सॉलिड का दो एग्जांपल पूछ देंगे नहीं बनेगा। ये सब गलत सलत बात नहीं करो, तुमको लग रहा आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। आइए मैं चारों को एक साथ बता देता हूँ बच्चा, ये चारों को मैं ज्यादा विस्तार में नहीं, एक जगह पर इतना समय बता देते हैं। अरे हाँ या नहीं बता दें? लिखा बनावट, एकदम बनावट, एक जगह बता देते हैं। लिखना बच्चा जल्दी से, लिखो जल्दी से, बनाओ टेबल, इधर तो सॉलिड लिखो। देखना बच्चा दिखाई दे रहा है सबके? बुरा नहीं बोल रहे हैं, मोबाइल में जो आदमी है उसको बोल रहे हैं, कोई नहीं, तो
मुंह है न देख रहा है न यार, या रहा लिखल yes, सॉलिड लिखल है yes, बहुत अच्छा सॉलिड। पहला कौन सॉलिड बच्चा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। बनाओ अभी नहीं बनाना न तो हम तो यहाँ मिटाव मिटावी वाला yes, दूर कहाँ जेबा हम तो मिटाइयो सकते हैं, तू कहाँ मिटाइयो? पहला मिटा ले, दूसरा दूसरा आयनिक, दूसरा आयनिक आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड, तीसरा कौन सॉलिड? मेटालिक सॉलिड। कौन सॉलिड? अरे यार हिंदी नहीं लिखे वो, क्योंकि हिंदी लिखा चुके हैं। चौथा में बच्चा को भाई ले, चौथा में हिंदी बोलो। शासन योजक या इसी का एक और नाम है। एक बार दू नंबर रीवा में क्वेश्चन आया था बच्चा, हमारा खुल्ले याद है ना के अले यार बताते चल रही हूँ, आज तक जितना क्वेश्चन अले सब मेरे को याद है। एक बार पूछा था कि शासन योजक ठोस को नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं, वो बताइए आगे। अरे देखना क्वेश्चन बैंक है सब है yes, कोई बात नहीं, हमें अपने क्वेश्चन बैंक अपने आप में हम क्वेश्चन है बैंक थोड़ा बताइते रहो क्या अलो क्या नहीं। अरे हाँ ये नेटवर्क ठोस को सॉरी कोवेलेंट ठोस को नेटवर्क ठोस। मोलिकुलर सॉलिड तीन प्रकार के, कई प्रकार के मोलिकुलर सॉलिड तीन प्रकार के, कई प्रकार के तीन प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला का नाम तीन प्रकार के, पहला का नाम पोलर, पोलर सॉलिड। क्या नाम? दूसरा नॉन पोलर। क्या जी? तीसरा बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीसरा का नाम? एक बार ऑब्जेक्टिव में यह पूछा था आण्विक ठोस कई प्रकार के, तीन प्रकार के, रवा कई प्रकार के, ये सब रवा है, रवादार रवा माने रावण है, क्रिस्टलीय ठोस। क्या? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस कई प्रकार के बच्चा? चार प्रकार। कई प्रकार के? चार। कई प्रकार? चार। आण्विक ठोस कई प्रकार? तीन प्रकार। कई प्रकार? यहाँ लिखना बच्चा डेफिनेशन। क्या लिखना? परिभाषा। वो तो नहीं है बस। अरे बोल ये कणों के बीच कौन सा बल लगता है? बल के भी बात करेंगे, फोर्स। कौन सा बल लगता है? अरे बोल। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अरे कहो कहो। यहाँ भौतिक गुण, यहाँ क्या लिखोगे? फिजिकल। क्या लिखोगे? एगो और लिखा दो जी, एगो और लिखा दो, चालकता। क्या लिखा देंगे? अरे आयन। अरे वो आप लिखा दे मेल्टिंग पॉइंट, तो ये लिखा देते हैं। अरे बोलो आयन ये याद करवा देना। देखना देखना इन्हें देखना, ये है क्रैश कोर्स। सुने जान रहा आओ बच्चा ध्यान से सुना, पोलर नहीं तो ऐसे पकड़े। तो ऐसे सर ये वो जे कॉन्फिडेंस आवा गिरा दे और नहीं पोलर नहीं पकड़े तो अभी पकड़े तो नहीं जानो। पोलर पकड़े लगी आपको इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। अगर दो एटॉमिक दुई एटॉमिक हो, दुई डाई एटॉमिक हो, क्या हो? डाई एटॉमिक। क्या हो? डाई। अगर डाई एटॉमिक हो तो मैं अभी बोल देता हूँ क्योंकि उतना टाइम है नहीं बचा कि हम थोड़ा पोलर नॉन पोलर उतना समझेंगे सच्चे बोल है ना। क्यों फिर भी मैं बोल देता हूँ पोलर, ई मत कहना कि सर के नहीं आता इसीलिए बोल देते हैं। पोलर उसको कहते हैं, एक दो परिभाषा पोलर पता करेगी। एक है कि यदि अगर डाई एटोमिक है, यदि डाई एटोमिक है, डाई एटोमिक के मतलब जोड़ा में कई आइटम हो, दो आइटम हो, तो ओकरा में अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का अंतर मेरा कहना 0.8 से ज़्यादा होगा ना वो पोलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे बता दे, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बच्चा 2.1
क्लोरीन के बताओ बच्चा 3.1, दोनों का अंतर निकालो बच्चा, डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में अंतर 3.1 माइनस 2.1, कितना का अंतर आया, एक का अगर मतलब ये वाला पोलर क्या होगा, क्या होगा तो एग्जाम्पल में लिख दियो कोएसीएल, कोई दिक्कत है तो, अरे होगा नहीं नहीं, अरे है नहीं नहीं, अरे बोलो यस सर। अब पहले तो ये पता करो सर जी, मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन होगा, पहले मॉलिक्यूलर पहचानबे तब ना ये सब पहचानबे सर, अरे बोलो हाँ या नहीं तो सुन लेना, पहचाने के तरीका बता देते, बना ले लो नहीं बने लो फटाक से बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ एकदम फटाक फटाक, जितना फटफट हो जाए उतने के बन गए लो, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो नहीं तो उतना देरी काहे कर रहे, बन गया क्या कर, हिंदी किसका हिंदी हो, पोलर के ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और इसका होगा अध्रुवीय ठोस, ये होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस, लिख ले लो, अरे लिख लिया बच्चा, बन गया मैं समझाऊंगा, पहले लिखन मैं समझाऊंगा सर, बस मैं इसे एज याद करवा दूंगा बच्चा, खाली आप लिखो ना पहले, आपको एज याद करवा देंगे, आपको याद ही नहीं करे पड़ेगा घर में, Thank you.
लिख ले लो जी, लिख ली है, लिख लिया हाँ, जल्दी लिख ला। आप अब समझा भाई हो, हिंदी लिखा, हिंदी वाला आदमी, हिंदी वाला इंतजार कर रहा था। अरे बढ़िया था, मैं ये कर रहा था तो। सॉफ्ट मने मुलायम, सॉफ्ट मने मुलायम, हार्ड मने हार्ड मने हार्ड मने कठोर, हार्ड एंड ब्रिटल, कठोर एवं भंगुर, कठोर एवं ये धातु कठोर, कठोर एवं आघात वर्धनीय, कठोर एवं आघात वर्धनीय, बहुत कठोर, बहुत बैड कंडक्टर, कुचालक, कौन चालक, कुचालक, कुचालक, बैड कंडक्टर इन सॉलिड बट गुड कंडक्टर इन एक्वस, मतलब ठोस में कुचालक किंतु जलीय में सू, अरे सुचालक, कौन चालक, सुचालक, मतलब ठोस में कुचालक और द्रव में सुचालक, गुड कंडक्टर मतलब सुचालक, सुचालक ठोस में भी और द्रव में भी। अब एरा समझे वो याद करबे वो बैड कंडक्टर कुचालक, बहुत कम 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 अधिक बहुत अधिक बहुत अधिक, मना ले लो, मना ले लो। आ भाई अब समझ हो जाए, अब आब आ जा, ए आ जा, देख ला पहले तू लिखो ना जी, हम समझावे ही ना, फिर जो याद करवा देंगे और टेंशन डाल लो। तू खाली लिखा तो सही, आप खाली लिखा तो सही, लिख लिए, अरे लिख लिए, लिख लिए, अरे पूरा लिख लिए, कि पाँच मिनट आओ लग तो सब याद करवा दियो, देखो है ना तो, लेकिन नहीं लिख होता, नहीं लिख होता नहीं फिर तो समझेगो, नहीं लिख होता तो समझेगो। हाँ जी ठीक है, नहीं अरे बोल एरा से क्वेश्चन कैसन कैसन है तो पहले बता दो, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन का तो निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस है, बस ऑब्जेक्टिव पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस है, सुन ले आयनिक ठोस उसको बोलेंगे एक लाइन में, देखना बच्चा याद हो गलो, एकदम सिंपल परिभाषा, आयनिक कौन, आयनिक में वह ठोस होगा जेकरा में एगो धातु होगा, एगो अधातु होगा, खत्म खत्म। बताओ एरा में बच्चा, सोडियम धातु क्लोरीन अधातु, ये कहलाएगा आयनिक ठोस, कैसन ठोस, कैसन ठोस, कैसन जरा में एगो धातु आ एगो अधातु, सुना सुन लिया, केकरो ऐसा देख ले बच्चा कोई अलग नहीं, अपवाद है ये नहीं है, धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु, कैसन ठोस, आयनिक ठोस के बोला, धातु ठोस
कैसन ठोस है? आयनिक ठोस में एगो धातु होगा और एगो बोल पहचान लेगा सर इनका पहचान ले बच्चा एकरा में मोलिक्यूलर सॉलिड में दोनों न सभ्य अधातु होगा सभ्य अधातु हाइड्रोजन भी अधातु क्लोरीन भी अधातु सल्फर भी अधातु ऑक्सीजन भी अधातु अब कहेगा सर हमरा तो पहचान ही नहीं आवा धातु के है या धातु के है तो फिर जुलम धातु पहचान लोगे धातु पहचान लोगे झूठ नहीं बोल पहचान लोगे धातु नहीं पहचान लोगे हमरा जुलम जुलम है वो बता दें हाँ देख ले जकर नाम के अंत में ईएम आ जाएगा या आम आ जाओ धातु होगा लिख ले ऊपर में लिख ले ले बस पूछो मत इतने जकर नाम के अंत में ई हम या आम आ जाए वो क्या होगा पढ़ेगा सोडियम बोलाया नहीं तो क्या होगा धातु क्लोरीन क्लोरीन वो तो ई ना रहे तो धातु होगा पढ़ बच्चा येरा येरा कैल्शियम धातु किया धातु धातु अब नहीं पहचानेगा अगर नहीं पहचानेगा तो फोड़ देंगे माथा कर लेगा देख करके आना ये ईएम और अम रहेगा बता एक में क्या करो कार्बन अम आ रहा है कार्बन बन आ रहा है अम कहाँ आ रहा है बता बच्चा आयोडीन क्लोरीन है धातु सब अधातु है तो जकरा में अधातु टोटल रहेगा वो आणविक ठोस कहलाएगा पहचाने के तरीका बता रही हो ये रे से ऑब्जेक्टिव ऐबे करेगा ये सब कुछ नहीं पूछेगा एगो आप पूछा कोई दोनों से अरे हमरा पता नहीं है क्या पूछा है तबरी को जी बताइए वो बता दो बाद में कल ले बता दो पहले एग्जांपल समझ लो हम थक जाते हैं सुबह से लेकर इतना ही बार गिरवे करता कि ऊपर नीचे होते होते हम थक गए हैं सुन ले आण्विक ठोस ये मॉलिक्यूलर ठोस में कौन होगा बच्चा अधातु आयनिक ठोस में एगो धातु एगो आई मेटल तो जन्मे करता है आई जी धातु के परिभाषा बताइए दलियो जे धातु होगा वो धातु है जे धात्विक ठोस होगा जे धातु होगा वो धात्विक की तो नम्य है धात्विक ठोस मतलब कुल्य धातु होगा आ धातु पहचाने लगी बताए है आई ये भाव आयरन ये सब तो हम कने अरे लोले कर लाइटी नाम फेरम होता है हम आइल है कॉपर क्यूपरम होता है तो हम आइल है तो ये हो धातु औरम आम आ रहा है अर्जेंटम अर्जेंटम आम आ रहा है धातु अब इटी से क्या अरे ये सब है धातु आम जकर में आएगा वो मेटालिक होगा अब सर ये रहा ये बच्चा ये है चारे को कोवेलेंट है ये वगैरह रख ले चारे को कोवेलेंट है ये है कार्बन सिलिका सिलिकन कार्बाइड एंड एल्युमिनियम नाइट्राइड बोल दे हाँ या नहीं yes, याद हो गए लोग एक बार घर से देख के यहाँ तक कर ले रहा नहीं बच्चा कल कल छुट्टी हाँ कल एकदम शांति शांति सगरो छुट्टी सगरो सब बैच में छुट्टी टाइम अरे हो गया नहीं हुआ अच्छा सुनो सुनो मैंने क्या कहा कल छुट्टी है कल छुट्टी है तो चारों क्वेश्चन बना के लिए तीनों एनसीईआरटी वाला दिखा दियो कजा कजा है दिखा दो रुक एक मिनट